डॉक्टर फिरोज खान नवजीवन मेडिकल सेंटर हापुड़ की ओर से सभी देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी नगर व देशवासियों आने वाले पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवजीवन हॉस्पिटल दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हापुड़ में विब्योर इंटरनेशनल स्कूल ने जीता सीबीएसई क्लस्टर अंडर 19 बालिका वर्ग वॉलीबॉल का कप। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के पिलखुवा में उत्तराखंड व पश्चिम उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों से आई टीमों का विब्योर इंटरनेशनल स्कूल में चल रहे सीबीएसई क्लस्टर अंडर 19 बालिका वर्ग की 3 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का रविवार को समापन हो गया। प्रतियोगिता के समापन के तीसरे दिन सेमीफाइनल में 4 टीमों के बीच कड़ा मुकाबला चला। सेमीफाइनल मैच जीतने के बाद फाइनल में विब्योर इंटरनेशनल स्कूल की टीम पहुंची और दूसरी टीम गौतम बुद्ध नगर के दादरी एमएच पब्लिक स्कूल की पहुंची। दोनों टीमों में कड़ा मुकाबला हुआ और अंत में विब्योर इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने दादरी के एमएच पब्लिक स्कूल की टीम को 15-13 से हरा दिया और कप पर कब्जा किया। जब एटीसी फास्ट न्यूज़ के संवाददाता ने विजेता टीम के कोच आशीष कोहरे व खिलाड़ी प्रीति से बातचीत की तो दोनों ने इस जीत के बारे में क्या बताया, सुनते हैं। आपकी टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है गेम में, क्या कहना उसके बारे में आपका? मेरे यहाँ पे सीबीएसई क्लस्टर होस्ट हुआ था। सीबीएसई क्लस्टर 19 में हमारे यहाँ पे 103 टीमें आई थी। 103 टीमों में विब्योर इंटरनेशनल स्कूल लखवा जो है वो प्रथम रही और एमएच पब्लिक स्कूल दादरी जो हमारे साथ जिसका फाइनल मैच हुआ था वो सेकंड रही। दोनों टीम काफ़ी अच्छा खेली। मैं आशा करता हूँ कि इस तरह के एक सीबीएसई क्लस्टर्स हमारे हापुड़ डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज होते रहेंगे जिससे हम खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करेंगे और खेल को और आगे लेके जाएंगे। टीम के बारे में क्या कहना आपका? टीम हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी टीमें आई थी। उधम सिंह नगर उत्तराखंड से हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छी टीम्स आई थी। हरिद्वार से काफ़ी अच्छी टीम्स आई थी और जिस टीम के साथ मेरा फाइनल हुआ है एमएच पब्लिक स्कूल का वो काफ़ी अच्छी टीम है। पिछले साल की विनर टीम है वो। पिछले साल वो उसका गोल्ड मेडल था। तो फाइनल मैच जैसा मैंने सोचा था सेम वैसा ही हुआ। काफ़ी टक्कर का मैच हुआ। बेस्ट ऑफ 5 हमारे में वॉलीबॉल में जो होते हैं 25-25-15 के सेट, बेस्ट ऑफ 5 में वो सेट गया और लास्ट में आके हमने 15-13 से वो मैच जीता। अब इस क्लस्टर में कौन कौन सी प्रथम द्वितीय स्थान पर रही टीम है? इस टूर्नामेंट में जो प्रथम टीम है वो विब्योर इंटरनेशनल स्कूल लखवा है। दूसरे स्थान पे जो है वो एमएच पब्लिक स्कूल दादरी है। तीसरे और चौथे स्थान पे आरएएन पब्लिक स्कूल रुद्रपुर और हिमालय पब्लिक स्कूल रुद्रपुर, ये चारों टीमें। जो टीमें प्रथम और द्वितीय स्थान पर है विब्योर इंटरनेशनल स्कूल और एमएच पब्लिक स्कूल, ये दोनों ही टीमें 15 तारीख को यहाँ से हिमाचल कसौली के लिए निकलेंगी जहाँ पे इस साल के सीबीएसई नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं 16-20 तारीख तक हिमाचल कसौली। अभी आपने जो फर्स्ट प्राइज जीता है कब आपने अपने खिताब अपने नाम क्या है, क्या कहना आपकी टीम के बारे में? मेरी टीम ने बहुत ही मेहनत की है इस पोजीशन के लिए और यहाँ पे जो टीम आई उन्होंने भी बहुत मेहनत की, तो मैं उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और हमने बहुत मेहनत की है इस पोजीशन को पाने के लिए। तो कौन सी टीम से आपका फाइनल मुकाबला था? हमारा एमएच टीम से बहुत लास्ट फाइनल मुकाबला था जिसे हमें जीतकर फर्स्ट पोजीशन हासिल की। वहीं इस वॉलीबॉल की प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर रही दादरी के एमएच पब्लिक स्कूल की टीम के कोच रोहन बेसोया व टीम की कैप्टन रिवारी ने एटीसी फास्ट न्यूज़ के संवाददाता को क्या बताया, सुनते हैं। आपकी टीम ने खूब संघर्ष करा और शुरू से ही बढ़त बनाती हुई चली, आखिर ऐसी क्या कमी रही कि लास्ट में आकर सेकंड पोजीशन पर आई? ऐसे बच्चा थोड़ा सा एफर्ट कम डाला लास्ट टाइम पर जाके, थोड़ा सा इमोशनल हो गए बच्चे, थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गए। 2-4 बॉलें जो थी बाहर थी वो उनके साथ बच्चों के साथ थोड़ी सी हुआ है, उसमें गड़बड़ हुई है। अभी बच्चे बहुत अच्छा खेला, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे खेले। आपने सेकंड पोजीशन प्राप्त करी है, कैसा महसूस हो रहा है आपको? थोड़ा बुरा तो लग रहा है, ठीक है, हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन आप शुरू से ही फर्स्ट पोजीशन पर आ रही थी, शुरू से ही जीती हुई आ रही थी, ऐसी क्या वजह थी कि आप लास्ट में आके सेकंड पे आ गए? सर टीम के एफर्ट्स नहीं थे और सर हम कुछ कॉम्बिनेशन कोऑर्डिनेशन बनाने आगे क्या सोच के आएंगी फिर आगे जो गेम लड़ेंगे? सर आगे भी ऐसी अच्छी मेहनत करेंगे, टक्कर देंगे सर सबको फर्स्ट पोजीशन के लिए। जीत के बाद प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान पर आने वाली टीमों के खिलाड़ियों ने ग्राउंड पर ही जमकर डांस कर खुशी मनाई। सीबीएसई क्लस्टर अंडर 19 बालिका वर्ग वॉलीबॉल प्रतियोगिता में जीती फाइनल में प्रथम स्थान पर विब्योर इंटरनेशनल स्कूल
हापुड़ व MH पब्लिक स्कूल दादरी गौतम बुद्ध नगर की द्वितीय स्थान पर रहने वाली टीमें 15 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में कसौली में होने वाले CBSE के नेशनल खेलों में भाग लेंगी। अब देखना यह होगा कि नेशनल गेम से ये दोनों टीम कौन सा स्थान व मेडल लेकर आती है। हापुड़ से ATC फास्ट न्यूज़ के लिए चंदन सिंह के साथ बलविंदर सिंह की रिपोर्ट।